हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एफडी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपनी ग्रॉसरी वीडियो शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है, हम मॉल गए थे और मैंने जो लिस्ट बनाई थी मेरे हस्बैंड वही ले जाना भूल गए। तो जितने मुझे याद थी मैं उतनी चीज़ें ले आई हूँ, कुछ चीज़ें मैं भूल गई हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर पर पड़ी थी वो हम नहीं लाए हैं, वो हम लोकल स्टोर से हम ले लेंगे। तो जितनी मुझे याद थी वो सारी चीज़ें मैं ले आई हूँ। तो चलिए मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लाई हूँ और क्या क्या मैं भूल गई हूँ। तो मैं आपको वन बाय वन करके चीज़ें बताती हूँ और प्राइस के साथ ही मैं आपको बताऊँगी। तो आप ये वीडियो पूरी देखना। यहाँ पे मैंने पहले आपको बता देती हूँ, ये मैंने मिल्क फूड का घी लिया है। ये एक केजी का है और ये मुझे 385 रुपीज़ का पड़ा है। इसका एक्चुअल जो प्राइस है वो 498 रुपीज़ है, तो ये ऑफर में था तो मुझे 385 रुपीज़ का पड़ा है। और मुझे वैसे अमूल घी पसंद है पर ये ऑफर में था तो वो वहाँ पे अवेलेबल भी नहीं था उस वक्त, तो मैंने ये ले लिया। उसके बाद मैंने बर्गर बंस लिए हैं, ये 6 पीस है और इसका 35 रुपीज़ प्राइस है, तो ये मुझे अभी बनाना है तो इसलिए मैंने ये भी लिया है। और उसके बाद मैंने ये बर्गर बंस लिए हैं, तो ये 6 पीस है और ये 35 रुपीज़ का पड़ा है मुझे। फिर मैंने ये पाव भाजी भी लिया है, ये भी मुझे 35 रुपीज़ का पड़ा है। इसे मैं इसी वीक में ये दोनों को बनाऊंगी अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए। फिर मैंने लिया है आलू भुजिया, ये 400 ग्राम है और इसका प्राइस है 95 रुपीज़, तो ये भी मैंने ले लिया, कभी कभी स्नैक के तौर पर अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पर मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर ली है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किचन के लिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है, तो इसके मैंने दो बड़े बड़े पैक ले लिए हैं और इसका जो प्राइस है वो 58 रुपीज़ है, तो ये मैंने दो ले लिया है। उसके बाद मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, ये भी मुझे कुछ 80 रुपीज़ का पड़ा है, 80 रुपये का पड़ा है, ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने लिया है ये ऑफ़र में बिस्किट से, तो ये बाय टू गेट वन फ्री थे तो ये मेरे हस्बैंड ने लिया है। फिर मैंने यहाँ पे ये ऑयल है ऑलिव एक्टिव, इस बार मैंने ऑलिव एक्टिव ही लिया है क्योंकि मैं फॉर्च्यून का रिफाइंड ऑयल यूज़ करती हूँ पर ये अभी मार्केट में नहीं आया तो मैंने बोला चलो इसको ट्राई दे देते हैं, और इसका जो प्राइस है वो 185 रुपीज़ है। फिर मैंने ये परफ्यूम लिया है इंगेज का, ये 190 रुपये पड़ा है मुझे, तो मैंने इस बार इंगेज का लिया है। ये चमनप्रास लिया है मैंने डाबर का, ये 50 आधा किलो है मतलब, और इसका प्राइस मुझे पड़ा है 185 रुपीज़ पड़ा है, आधा किलो का है ये। उसके बाद मैं पैरासूट ऑयल यूज़ कर रही हूँ अभी, तो ये भी मुझे इसका प्राइस पड़ा है शायद 100 रुपीज़, ये 100 रुपीज़ पड़ा है मुझे इसका प्राइस। फिर मैंने ये बोतल लिया है, तो ये मुझे इसका एक्चुअल प्राइस 129 रुपीज़ है और ये मुझे ऑफ़र में मिला है 59 रुपीज़ का, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पर मैं अभी इसमें सोच रही हूँ कि मैं इसमें ऑयल रखूँ क्योंकि ऑयल के जो बोतल आते हैं वो बहुत छोटे आते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें ऑयल ही रखूँ, कन्फ्यूज़ हो मैं पता नहीं क्या करूँगी। उसके बाद मैंने ये बटर लिया, ये आधा किलो का लिया मैंने अमूल बटर क्योंकि पाव भाजी में मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मैंने आधा किलो का लिया है, इसका प्राइस है 285 रुपीज़ अमूल बटर। फिर मैंने ये टी, हम अभी आजकल ताजमहल वाला टी यूज़ कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा है, तो ये भी मैंने लिया है, इसका प्राइस है बता, हाँ इसका प्राइस है 145 रुपीज़, तो ये मैंने ले लिया, ये 250 ग्राम है 145 रुपीज़ का। और उसके बाद मैं लिक्विड, ये जो है बीम का लिक्विड है डिश वॉशर, तो ये मुझे कुछ 99 रुपीज़ का पड़ा है, ये 500 ml है, ये 95 रुपीज़ का पड़ा है। उसके बाद मैंने हेड एंड शोल्डर शैम्पू लिया है स्मूथ एंड सिल्की, और ये मैंने 150 रुपीज़ का लिया है, तो ये सही है डैंड्रफ के लिए, यूज़ कर लूँगी मैं। फिर मैंने ये ऑयल लिया है, दो ऑयल लिया है, ये सरसों ऑयल है, फॉर्च्यून का सरसों ऑयल है, तो मैंने दो बोतल ले लिया है, तो ये मुझे पड़ा था 141 का पड़ा है शायद, इसका एक्चुअल प्राइस 196 रुपीज़ है, तो ये मैंने दो ले लिया है क्योंकि मुझे लग जाते हैं ऑयल। उसके बाद मैंने लिया है हल्के फुल्के, जब कभी कभी भूख लग जाती है शाम को और कुछ ना हो तो फिर मैंने ये मेरे हस्बैंड ने लिया है ये नूडल, तो ये दो चिकन नूडल लिया है और दो कुछ ऐसा है कि बैंकॉक स्वीट चिली नूडल है, तो इसको भी ट्राई करेंगे। उसके बाद मेरा फेवरेट, उसके बाद मैंने ये चॉपर लिया क्योंकि जो मेरे पुराने चॉपर है वो थोड़े से टूट गए और उसके ब्लेड में भी काफ़ी उसकी शार्पनेस भी चली गई है, तो मैंने ये लिया है, तो अभी इसको यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है।
तो ये मैंने लिया, ये इसका प्राइस था 350 रुपये, डिस्काउंट में मुझे पड़ा है 249 रुपीज़ समथिंग पड़ा है। तो ये मैंने ले लिया, जब गए तो ले लो। उसके बाद मैंने यहाँ पे विन ग्रीन का ओरिजिनल रेसिपी चीज़ें सॉस लिया है, क्योंकि मुझे बर्गर बनाना है तो इसके लिए मेयोनीज ज़रूरी है, तो ये मैंने ले लिया। इसका प्राइस पड़ा है मुझे 199 रुपीज़, तो मैंने ले लिया क्योंकि हम ज़्यादा यूज़ करते हैं मेयोनीज वगैरह। फिर मैंने यहाँ पे चिंग्स का रेड चिली सॉस लिया है, और ये मुझे पड़ा है इसका प्राइस 20 रुपीज़। फिर कभी कभी मीठे के लिए हमने लिया डेरी मिल्क, ये शायद 40 रुपीज़ समथिंग कुछ है ऐसा, तो ये लिया है। उसके बाद मैंने बिस्किट लिया है, मैरी गोल्ड का एक लिया है, ये 10 रुपए का है, और ये मॉम्स मैजिक है, ये भी 10 रुपए का है शायद, हाँ ये 10 रुपए का है। फिर मैंने एक गोल्ड फ्लैश रिफिल लिया है गुड नाइट का, इसका प्राइस जो है वो है 75 रुपीज़ का प्राइस है, तो ये मैंने एक लिया क्योंकि दो पड़े हैं घर पे, तो इसलिए मैंने एक ले लिया है। और ये फेम का ब्लीच लिया है मैंने, और इसका जो प्राइस है वो है 42 रुपीज़, तो ये 42 रुपीज़ का लिया है, ये छोटू सा ही है। फिर ये आ जाता है लिक्विड सोप पे, तो इसके साथ जो है लूफा फ्री है, ये 99 रुपीज़ का मिला है मुझे, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो इसकी जो मैंने एक बार ट्राई किया, इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा ले लिया है। और मैंने यहाँ पे दो प्लेन मैगी लिया है, तो ये तो रेगुलर मैगी है, तो ये भी मैंने दो लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे, और ये दो बोतल मुझे बहुत ही, जो दो जार है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, पर्सनली मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसको देख के मैं खुद को रोक नहीं पाई, और मैंने ये दो बोतल ले लिया है। अब एक्स्ट्रा हो ही जाता है, क्या करें जितना भी कंट्रोल करें वो हो जाता है कि हमें जो पसंद आता है वो हम ले लेते हैं। तो ये दो जो जार है, तो ये दो कांच का है, ये दो मैंने लिया है। तो बड़े वाले का जो प्राइस है मैं आपको बता देती हूँ, इसका बड़े वाले का प्राइस है 79 रुपीज़, इसका एक्चुअल प्राइस है 158 रुपीज़, तो ये 79 का मिला, तो ये मैंने ले लिया है। और ये छोटे वाले का जो प्राइस है, इसका प्राइस है 119, तो ये मुझे 59 रुपीज़ का मिला। तो ये दो बोतल मैंने ले लिया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसमें क्या रखूं, अब डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या रखते हैं, पर मैंने ये दो ले लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ओरियो के बिस्किट लिए हैं, ये मैंने शायद 6 बिस्किट लिए, ये 10 रुपए के हैं, तो ये शायद 6 बिस्किट हैं। और ये मैंने राजमा लिया है 1 kg, ये भी मुझे 130 रुपीज़ kg मिला है, तो ये मैंने 1 kg ले लिया है। और बाकी छोले मेरे पास थे, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं लाना भूल गई, तो जितना मुझे दिखा तो वो हम ले आए, क्योंकि हम लिस्ट ले जाना भूल गए थे, तो मुझे जितना दिखा वो हम ले आए। और ये तो मुझे विशाल मेगा मार्ट की तरफ से गिफ्ट मिला है। तो उसके बाद और एक चीज़ लिया है हमने, ये है गैस सिलेंडर वाली ट्रॉली, जो काफ़ी ईजी हो जाता है कहीं भी मूव करने के लिए, तो इसे कहीं पर भी मूव करने के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ये मुझे 99 रुपीज़ का पड़ा है, मेरे पास एक है, तो इसलिए मैंने, मेरे पास एक्चुअल में दो सिलेंडर है, तो एक के लिए मेरे पास था, तो मैंने एक दूसरे के लिए भी ये ले लिया, क्योंकि ये काफ़ी इजी हो जाता है, तो मैंने ये ले लिया है। तो यही है मेरे आज की ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल। तो और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो मैंने, जैसे कि यहाँ पे आटा मिसिंग है, और दाल मिसिंग है, और बहुत सारी स्पाइसेस जो है वो मिसिंग है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी मेरे पास पड़े हैं, और जो अभी मैंने, मुझे याद भी नहीं आया, जैसे कि राइस है, बहुत सारे धनिया, और धनिया जीरा पाउडर जो है वो मैं घर पे होममेड ही बना लेती हूँ, मतलब साबुत लाती हूँ, उसके बाद मैं मिक्सर में खुद ही ग्राइंड कर लेती हूँ, तो वो मैंने कर ही रखा है। तो अब जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होंगी तो हम लोकल शॉप से हम खरीद लेंगे। तो फिलहाल अभी तो यही मेरी आज की ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।